रिसेंटली BMW RR310 लॉन्च हुई है। ये देखिए, ये एलन की वाले बोल्ट्स हैं, तहलका मचा देती हैं। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अपना पार्सल आ चुका है, ये मैंने 2 अगस्त को ऑर्डर किया था, जो कि मैंने ल्यूविया की साइट से ऑर्डर किया था। और ल्यूविया अगर आप ऑनलाइन जाकर चेक करोगे तो ल्यूविया बनाती है बेसिकली बाइक्स के लिए ट्यूरिंग, जो हमें जैसे सैडल स्टे या कोई भी अदर एक्सेसरीज चाहिए हो तो आप ऑनलाइन उसे चेक कर सकते हैं। तो आज ये मेरे पास आ चुका है, ऑलमोस्ट 15 दिन में मेरे को ये डिलीवर हुआ पार्सल। और ऐसे कुछ पैकिंग है इसकी, मैगी के कार्डबोर्ड में पैक करके दे रखा है। तो चलिए करते हैं इसको ओपन। पैकिंग है और ये मैंने स्पेशली TVS RR 310 के लिए डिज़ाइन था ये सेडल से। और ये कुछ फॉर्म ताकि प्रोडक्ट ख़राब ना हो। और ये देखिए, ये कुछ ऐसे नॉर्मली अगर आप मार्केट से आप अगर ये सेडल से आप अगर लगवाते हो तो आपको राउंड शेप पाइप में मिलेगा और अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक है TVS, आप ये RR 310 जो है वो स्पोर्ट्स ट्यूरर है तो उस पर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये ल्यूविया से मंगवाया था। तो इसको करते हैं अनपैक। तो आप ये देखिए, ये ऐसा कुछ है और इसमें 2 कलर ऑप्शन है, एक ये ब्लैक और रेड, बट मैंने ब्लैक चूज़ किया ताकि जो बाइक का जो पीछे का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट ब्लैक ही है तो उसमें मिक्स एंड मैच हो जाएगा, अलग से नहीं दिखेगा। और ये डिज़ाइन बहुत अलग तरीके का है, मतलब दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और ये यहाँ पर आपको ल्यूविया की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसकी आपको ल्यूविया लाइफ टाइम वारंटी देता है, वो आप उनकी साइट पे जाकर चेक कर लीजिएगा। तो इसको करते हैं अलग। और इसके ये कुछ पार्ट्स हैं और एक ये पार्ट है, जब मैं अपनी बाइक पे इसको फिक्स करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। और एक ये सेम एज इट इज, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। एंड एक ये एक और रोड है सेम, थोड़ी सी अलग है तो इनके अलग अलग काम होंगे। एग्जैक्ट अभी मेरे को भी नहीं पता है, वो जब होंगे तभी मैं आपको दिखाऊंगा। और पैकिंग काफ़ी अच्छे से कर रखी है कि कोई भी पार्ट ख़राब ना हो। और ये कुछ उसके सपोर्टिंग जो सपोर्टिंग रोड्स दे रखी है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये 2 कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको इसके नट्स एंड बोल्ट्स दिखेंगे। यूजुअली आपको बोल्ट्स ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, ये एलन की वाले बोल्ट्स हैं तो ये बहुत अच्छे हैं और आराम से अब तो हर बाइक के साथ हर उसके साथ यही यूज़ होते हैं। ये देखिए, वरना नॉर्मली आपको पता है कि कैसे नट्स एंड बोल्ट्स यूज़ करते हैं, अगर हम लोकल शॉप से अगर हम सैडल स्टे वगैरह लगवाते हैं तो वो इन बोल्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कुछ इसके बोल्ट्स हैं। तो यही था कुछ। और इसका मेरे को प्राइस पड़ा है ऑलमोस्ट 4300 रुपीज़।
और इस बॉक्स में हमें ये कुछ ऐसे स्टिकर्स मिलते हैं ल्यूविया के, ब्रांडिंग के तौर पर ल्यूविया ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं। और मेरे को इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला, तो चलिए करवाते हैं इसको इंस्टॉल और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ एग्जैक्ट फिक्स होगी। तो चलिए चलते हैं। तो कैसे आप सब? तो भाई हो चुका है अपने जो सैडल स्टे का मैंने आपको बताया था, बट यार हुआ क्या, जो मैंने क्लिप्स जहाँ पर अरेंज कर रहे थे इसको तो बनाई थी, वो डिलीट हो गई है मुझसे। तो मैं अभी आपको एग्जैक्ट वही आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या हम उसको सेट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं बाइक में। और यार नज़ारे देखिए क्या गज़ब, और शाम हो चुकी है। सो चलिए, और इस तरह पूरा ग्रीन ग्रीन, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी अपना ऐसा कुछ लुक आ रहा है। ये एक्चुअली ये रेडियम टेप जो बोलते हैं वो है, और उस तरह मैंने अभी नहीं लगवाई है, इस तरह मैंने कोई रेडियम टेप नहीं लगवाई है। मैं आई डोंट नो ये अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको इसका जल्दी से बता देता हूँ, ये इसकी कुछ ऐसी लुक आती है, और पीछे से आपको दिखा दूँ ये इसका ये पूरा ये जो पाइप ये सपोर्ट करता है। तो मैं इसको आपको, चलो मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो चार स्क्रू हैं, यहाँ से आपको ये चारों स्क्रू खोलने पड़ेंगे, जो यहाँ पर एक जो ग्रैब हैंडल आता है वो वहाँ से उतर जाएगा, और यहाँ ये नीचे ये देखिए ये यहाँ पर आप आराम से, वो थोड़ा सा मुश्किल बहुत छोटी एलन कीज वगैरह लगती हैं तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा, तो वहाँ से ये रोड आपको लगानी है, ये रोड आ जाएगी, और फिर उसके बाद ये जो रोड है इसमें ये यहाँ पर अटैच होगी, और इस तरफ से भी सेम इसी एक रोड में अटैच हो जाएगी, और नीचे जाकर फिर अपना साइड में जब हम आते हैं, ये देखिए ये जो पूरा है, जो ये जो रोड यहाँ से आएगी वो यहाँ पर आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगी दोनों तरफ। ये देखिए ये जो बिल्कुल टेल लाइट के नीचे से थी, तो ये पूरा अपना आ गया, और यहाँ पर ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हमें दे रखा है ताकि ये स्टेबल रहे। और यहाँ पीछे की तरफ ये जो चीज़ है यार, इसका एक अलग से पत्ती आती है जो यहाँ पर अटैच होती है, सो हमने वो पत्ती नहीं लगाई, हमने डायरेक्ट इसमें दोनों तरफ वॉशर देकर और हमने इसको अटैच किया, और यहाँ पर बिल्कुल पीछे वाले बोल्ट में फिटिंग ना करके आगे वाले में की, बहुत इजीली फिट हो गया दोनों तरफ से। और ये देखिए ये भी बिल्कुल आराम से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा नट एंड बोल्ट। और आपको ध्यान ये रखना है दोनों तरफ वॉशर जो है वो देने हैं, और ताकि वो फ्री ना हो नट। और ये सारी एलन की हैं, 5 और 6 एलन की मतलब इसमें लगती है, और ये मैंने पीछे यहाँ पर आपको पता होगा RR 310 में यहाँ पर रिफ्लेक्टर आते हैं, बट ये रोड आने के बाद रिफ्लेक्टर नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये देखिए आप पहले एक बार ये देखो, इससे ज़्यादा तो कंपनी से जब नई बाइक आती है तब बहुत हिलती है, बट यहाँ मैंने डबल टेप करके और ये ब्लैक कलर के धागे से मैंने इसको वो कर दिया, मतलब बांध दिया है ताकि ये हिले ना। ये देखो बिल्कुल बहुत स्टेबल है। और मैं मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये जो लाइट्स आपको दिख भी नहीं रही होंगी, बहुत छोटी लाइट्स, ये देखिए मैंने अभी इंडिकेटर्स एक्चुअली इसीलिए जला रखे, मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, नॉट हाईवे एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूँ जो कि बिल्कुल घर के पास है, और बट व्यू अच्छा आ जाता है तो इसलिए मैंने उनका रखे। ये आपको लाइट दिख नहीं रही होंगी बट इनका थ्रो बहुत गजब का है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी ये सिंपल जो ये लाइट्स हैं ये सिर्फ अभी इनका है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके। और यहाँ पर ये मैंने उन लाइट्स का जो स्विच दे रखा है
और ये मेरा इंटरकॉम का जो रिमोट है वो है। तो अभी जैसे मैं वाइट लाइट्स ऑन करता हूँ, ये देखिए, अब देखिए ये अभी बाइक एक्चुअली साइड स्टैंड पे है, तो अभी फोकस उतना नहीं हो रहा है तो इसलिए। और ये ड्यूअल कलर एलईडी लाइट है, ये देखिए, ये फोग में आपको काम आती हैं, इसलिए ये अभी थोड़ा सा अलाइन नहीं हो रहा है तो उसके लिए। बट मैं इनकी आपको परफॉर्मेंस बता दूँ तो बहुत अच्छी है। और मैंने मॉडिफिकेशन, ये मैंने ग्रैंड पिट स्टॉप से मंगवाया था, फास्ट चार्जर है, और ये आपको पता ही होगा यार अगर आपने वीडियो देखी है, और नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में लिंक आपको दे दूंगा कि मैं ऋषिकेश तब जा रहा था, तब ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम पे टूट गई थी। सो यार चलिए, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, और मैं आपको बता दूँ जो रिसेंटली BMW RR310 लॉन्च हुई है वो एज इट इज़ जो ये है, ये जो सैडल स्टे है उसमें बिल्कुल आराम से फिट होगा, बहुत अच्छे से फिट होगा। और हाँ, और मैंने आपको बताया नहीं, ये जो क्रैश गार्ड है ये भी इसमें इंस्टॉल करवा रखे हैं। तो जो BMW की RR310 है, आप जैसा कि आपको पता है वो सेम एज इट इज़ RR310 TVS Apache पर बेस्ड है, तो आराम से उसके नट्स एंड बोल्ट्स बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। आप अगर उस बाइक को देखोगे, सिर्फ फेयरिंग्स का कलर चेंज है और स्टिकर्स का, और एक दो छोटा मैकेनिकल चेंज है जैसे गियर शिफ्टर, जो RR310 में हमें नहीं मिलता। तो आराम से आप ये सैडल स्टे, अगर आप, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ट्यूरर बाइक है तो आराम से आप इसको ट्यूरिंग के पर्पज़ के लिए भी आप जो BMW RR310 है उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी, बिल्कुल जो एग्जैक्ट जो लाइट मैंने लगवाई है वो आप लगवा सकते हैं, और बहुत छोटी लाइट्स हैं, आप ये देखिए, बहुत छोटी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस सामने वाले को जब जलेंगी ना भाई, तहलका मचा देती हैं ये। तो चलिए यार, अंधेरा हो चुका है तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। सो अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और जो आपको पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। सो थैंक यू, हर हर महादेव।